अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ पिक्सेल गेम के रिलेटेड अपडेट शेयर करूंगा और इसमें वीआईपी के क्या बेनिफिट है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। क्या हमें अभी वीआईपी लेना चाहिए या क्या नहीं लेना चाहिए तो वो आपको बता देता हूं। उसके अलावा आपने लेफ़्ट साइड पर आ जाना, यहाँ पर ये जो है ना वीआईपी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वीआईपी की प्राइस आ रही है। 3 मंथ की 47, 6 मंथ की जो है ना 81 है, और जो 12 मंथ की है जो 134 पिक्सल प्राइस है इसकी, वो आप देख सकते हैं। क्या अभी हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इसमें अच्छे प्लेयर बन गए हैं तो आप अभी इसमें जो है ना वीआईपी ले लें। अभी मैं आपको बता देता हूँ 47 पिक्सल जो है ना उसकी क्या प्राइस बन रही है। अभी मैं बाइनांस पे चले जाता हूँ तो यहाँ पर मैं लाइव जो है ना ये आपके पास दिखा देता हूँ 47 पिक्सल। तो यहाँ पर 47 लिखा है तो यहाँ पर तकरीबन 20.44 जो है ना अमाउंट आ रही है, तकरीबन $21 ही लगा लें। मतलब कि अगर मैं वीडियो अपलोड कर दिया उसके बाद पिक्सल की प्राइस ऊपर चली जाती है तो फिर जाहिर ही बात है फिर ज़्यादा अमाउंट में जो है ना आपको वीआईपी बाय करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना मेरे तो अभी तो 20.44 आ रहे हैं, आप जब बाय करेंगे तो 21 भी आ सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं और 20 से कम भी हो सकते हैं। अब ये 47 पिक्सल में जो है ना आप इनका वीआईपी ले सकते हैं और वो उसकी कॉस्ट जो बन रही है $21 बन रही है। अगर मैं इसका लाइव जो है ना ट्रेडिंग ओपन कर दूं तो सुबह इसकी प्राइस जो है ना 100 PKR आ रही थी, अब 122 हो गई है। तब मैंने कहा था जो बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं इसमें, वैसे पिक्सल बाय कर सकते हैं, और अब अगर आप स्पॉट में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इसके अलावा 47 पिक्सल का ये बेनिफिट है, पहले जो होता था ना जब पिक्सल की प्राइस अप होती थी तब जो है ना ये 47 की बजाय यहाँ पर 38 भी एक दफ़ा ऐसे हुआ था, क्योंकि पिक्सल के ये जो 3 मंथ वाला वीआईपी ना वो तकरीबन $32 से $33 का बनता था। मतलब कि पिक्सल की प्राइस जितनी मर्जी हो या डॉलर की जो कॉस्ट है ना वो आपके $32 से $33 ही लगनी है। पर इस दफ़ा ये पता नहीं क्या इनका बग चल रहा है, क्या चक्कर है, पर इस दफ़ा इन्होंने ये जो 47 पिक्सल से ऊपर नहीं किया। मतलब कि अगर पिक्सल की प्राइस नीचे आई है ना तो ये 47 के बजाय बल्कि ये ज़्यादा पिक्सल पे करने पड़ते थे। पहले ऐसे था कि मतलब कि 75 पिक्सल भी तक गई थी एक दफ़ा, मतलब कि जब प्राइस पिक्सल की नीचे आई थी, पर अब जो है ना 47 ही है, $20 में मिल रहा है वीआईपी, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी मैं वीआईपी आपके सामने लूँगा, 38 जो है ना मेरे पास जो है ना पिक्सल हैं। तो अब आपने गेम में कैसे डिपॉजिट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर डैशबोर्ड पर चले जाना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड है, इस पर क्लिक करके आपने डैशबोर्ड पर चले जाना है। तो डैशबोर्ड पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे हम विड्रॉ लेते हैं ना एक्सचेंज वाले ऑप्शन में जाके, वैसे हमने एक्सचेंज वाले ऑप्शन में जाना है। अभी ओपन हो गया है, 3 लाइन पर क्लिक कर देता हूँ और आपने नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर ये देख लें एक्सचेंज वाला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये लिखा आ रहा है विड्रॉ टू वैलेट, यहाँ से हम जो है ना विड्रॉ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है डिपॉजिट टू गेम, तो हमने गेम में डिपॉजिट करना है। अभी मुझे जो है ना 9 पिक्सल और करने पड़ेंगे तो फिर जाके जो है ना 47 पिक्सल होंगे तो फिर मैं इसमें जो है ना वीआईपी ले सकता हूँ। अब मैं क्या करना है, डिपॉजिट टू गेम पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर आपको एक्सचेंज पर आपने फिर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर फिर कर देना आपने डिपॉजिट टू गेम, तो यहाँ पर ये क्लिक करेंगे तो ये बैक आ रहा है। तो यहाँ पर एक दफ़ा आपने जो है ना एक्सटेंशन में जाना है, रोनिन की एक्सटेंशन में, तो यहाँ पर आपने चेक कर लेना कहीं आपकी एक्सटेंशन लॉक तो नहीं है, जैसे ये मेरी लॉक हुई हुई है, ऐसे आपने यहाँ पर आके पहले पासवर्ड लगा लेना है। लगा लिया जो है ना एक्सटेंशन ओपन होगी। अब मैं दोबारा गेम में चला जाता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा डिपॉजिट टू गेम पर, तो यहाँ पर वैलेट पर रीलोड कर लेते हैं। तो जब रीलोड हो जाएगा ना फिर आपका एक्सटेंशन अनलॉक होगी, उसके बाद फिर आप देन आप करेंगे ना डिपॉजिट टू गेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने वैलेट सेलेक्ट करना है, तो फिर आपका जो है ना यहाँ से ये सर्च होगा, उसके बाद फिर वो शो करवाएगा कि आप कितने बैलेंस जो है ना डिपॉजिट करना चाहते हैं। कंप्लीट होंगे ना तो अगर आपके यहाँ से ये वर्क ना करे डिपॉजिट टू गेम पर क्लिक करें दोबारा रीलोड होकर वैसे ही आ जाए तो फिर आपने क्या करना है 3 लाइन पर ये 3 डॉट पर क्लिक करना है, तो नीचे आपने करना है डेस्कटॉप साइट कर लेना है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे ना तो आपका जो है ना वो डेस्कटॉप साइट हो जाएगा, मतलब डेस्कटॉप वर्जन मोड ऑन हो जाएगा। फिर आप जो है ना यहाँ पर डिपॉजिट टू गेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका ये जो है ना वैलेट चेक होगा, और यहाँ पर आपका वैलेट ये जो है ना शो हो रहा है यहाँ पर। अब आप जो है ना जो है डिपॉजिट टू गेम पर क्लिक करेंगे यहाँ से, फिर अब क्योंकि आपका वैलेट शो हो गया तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उन्होंने कहा कि
डिपॉजिट यहाँ पर कितने करना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है ना, यहाँ पर शो करवा रहा था 10 मिनिमम। वो इसलिए करवा रहा था क्योंकि मिनिमम यहाँ पर डिपॉजिट जो है ना वो 10 आप कर सकते हैं आप वैलेट से। उसके अलावा मैक्सिमम जो है ना डिपॉजिट आप कर सकते हैं 1 लाख तक। तो यहाँ पर मैं मिनिमम 10 जो है ना पिक्सल यहाँ पर लिख लेता हूँ। उसके अलावा फिर यहाँ पर मैं जो है ना, कोई कॉस्ट नहीं आ रही, कोई एस्टिमेट गैस फीस नहीं आ रही ना, तो हम यहाँ पर मैं सबमिट करूँगा। तो ये कुछ ही देर में जो है ना मेरे 10 पिक्सल जो है ना वो मेरे जो है ना गेम से, जो वैलेट से है ना वो गेम में अप जो है ना डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप फ्री ट्रांजेक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो फ्री ट्रांजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ शो पर डाटा पर क्लिक करके और एडवांस पर क्लिक करके यहाँ पर फ्री पर कर लेंगे ना, तो आपका जो फ्री ट्रांजेक्शन हो जाएगी। फ्री ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वो गाइड कर देगा। अगर आप फ्री ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट पे ले जाएगा और नीचे गाइड करेगा। अगर आप फ्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा, ईमेल सेटअप करना पड़ेगा अपना जो है ना, ईमेल कर लेंगे। उसके बाद ईमेल पर आपके कोड जाएगा, फिर जाके आप जो है ना फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पर मेरे पास रोनिन पड़े हैं, मैं कन्फर्म कर देता हूँ। और मैं थोड़ी सी फ़ीस लग रही है रोनिन में, इतनी ज़्यादा नहीं लग रही। तो मैंने बताया हुआ है सबको कि जो है ना, अगर आप इसमें 1 पिक्सल को जो कन्वर्ट करके रख लेना इसका रोनिन में, तो आपके वो फीस यूज़ होती रहेगी। तो ऐसे जो है ना आप एक जब भी विड्रॉ लेते हैं ना गेम से, तो आपने 1 पिक्सल जो है ना वो यहाँ से इसको स्वैप करके रख लेना अपने वैलेट में, जो रोनिन में जो है ना। अगर आप फ्री में स्वैप जो कर सकते हैं डेली के 5, तो आपने 1 स्वैप करके रख लेना है, तो आपका जो है ना वो रोनिन जो है ना फीस के लिए नेक्स्ट यूज़ होता रहेगा। अभी ये देख लें, मैंने डिपॉजिट और ग्रेम कर दिया। तो यहाँ पर देख लें, सेंड डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये लोडिंग हो रही है। देखते हैं कितनी देर में रिसीव होता है मुझे। तो यहाँ पर ये उसी टाइम जो है ना मेरा सक्सेसफुल हो गया और 10 मेरे जो है ना डिपॉजिट हो गए हैं। बाकी तो मैंने विड्रॉल ही हुए हैं, तो ये ऊपर डिपॉजिट है, यहाँ पर डिपॉजिट हिस्ट्री में भी हम चेक कर सकते हैं विड्रॉल डिपॉजिट भी। ये कंप्लीट में ही सारा कुछ शो करवा रहा है। उसके अलावा ये ऊपर से भी हमारे कट हो गए हैं बैलेंस रोनिन वैलेट में, अगर आपने अपना वैलेट इम्पोर्ट किया होगा। अब मैं गेम में चला जाता हूँ। उससे पहले अगर आप यहाँ पर ये रीड आउट कर लेना, उन्होंने कहा कि कलेक्ट योर डिपॉजिट डिपॉजिट फ्रॉम द मेल बॉक्स। अब मेल बॉक्स से जाके जो है ना आप अपना जो पिक्सल जो है ना वो चेक कर सकते हैं। अभी मेरे 38 पिक्सल हुए हैं। अभी मैं आपको मेल बॉक्स से जो है ना वो चेक करके दिखाऊंगा। उसके अलावा मैं अभी डेस्कटॉप साइड ऑफ कर देता हूँ क्योंकि हमें अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसके अलावा यहाँ पर प्ले पर क्लिक करूँगा, प्ले नाउ पर जाएंगे और यहाँ से जो है ना हमने ऑथेंटिकेट हो रहा है, और यहाँ से जो है ना मैंने प्ले गेम पर क्लिक कर देना है और अभी लोडिंग लेंगे, फिर अब गेम में जाते हैं बताता हूँ। तो यहाँ पर हम ना गेम में आ गए हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मुझे मेल आई हुई है, आपको दिखा दूँ दोबारा। यहाँ पर मुझे मेल आई हुई है, इस मेल पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कह रहा है कलेक्ट ऑल पिक्सल। तो यहाँ पर मैं कलेक्ट ऑल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है ना 10 पिक्सल कलेक्ट हो गए हैं और ये मेरे अकाउंट में ऐड हो गए। यहाँ पर देख लें 48 पिक्सल जो है ना मेरे हो चुके हैं। अब मैं जो है ना वीआईपी बाय कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने चल जाना वीआईपी पर। यहाँ पर वीआईपी पर जाएंगे ना तो यहाँ से जो है ना 47 पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो आपने क्वांटिटी जो है ना वो 47 लिख देनी है। अभी ये मैक्सिमम पर क्लिक करके देखता हूँ क्वांटिटी क्यों नहीं लिखी जा रही। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपने पिक्सल की क्वांटिटी नहीं आएगी बल्कि ये वीआईपी की क्वांटिटी आ रही है। ये वीआईपी जो है ना 90 डेज़ के लिए है। तो आपने जब यहाँ पर लिखना है तो एक ही लिखना है, 47 जो है ना वो कॉस्ट है और एक आप वीआईपी ले रहे हैं। तो यहाँ पर 1 बाय 1 पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जो है ना पिक्सल वीआईपी 3 मंथ वाला जो है ना वो मेरा बाय हो चुका है। तो वीआईपी बाय हो गया। अब आपके पास जो है ना वीआईपी इन्वेंट्री में आ जाएगा। तो ये इन्वेंट्री में आ गया। तो जब आपने बाय कर लिया ना तो यहाँ पर नहीं रुकना क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर फ्री के चक्कर में आएंगे। तो आपने ना कहीं साइड पर चले जाना, मतलब कि जहाँ पर कोई ना हो। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ ना, फिर आपने क्या करना, इसको वीआईपी को सिलेक्ट करना है। जैसे हमको ड्रिंक पीते हैं ना इसमें पिक्सल में, ऐसे आपने इसको सिलेक्ट करना है। अभी मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, सिलेक्ट करना है और अपने ऊपर पर क्लिक कर देना। ऐसे जो है ना आपका वीआईपी बाय हो जाएगा। ये देखें, जैसे मेरा वीआईपी बाय हुआ है मतलब कि मेरा अपग्रेड हो गया और ये इन्वेंट्री भी आ गई है। क्योंकि वीआईपी के ये बेनिफिट होते हैं कि आपके पास इन्वेंट्री आपकी बड़ी हो जाती है और आप जो है ना इसमें यहाँ पर ये देखे बुक मार्क किया ना, 3 बुक मार्क है। तो वीआईपी के ये बेनिफिट है कि आप 4 बुक मार्क कर सकते हैं, 1 बुक मार्क और कर सकते हैं।
और इसके अलावा भी वीआईपी के कई ये बेनिफिट हैं। आप जहाँ पर जाते हैं ना, यहाँ पर ये वाला टॉप फार्मर के साथ जो है ना पोल में जाते हैं सोना में, तो यहाँ पर एंटर होंगे ना, तो वीआईपी वाले जो है ना एक क्लिक करके जो है ना एनर्जी कलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं एंटर हो रहा हूँ तो आपको मैं बताता हूँ। वीआईपी के ये भी बेनिफिट है कि आपको पिक्सल वाले जो टास्क है ना वो ज़्यादा आएंगे, तो इसलिए जो है ना आपने वीआईपी अभी ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। अभी आपने यहाँ पर पोल पर आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आपके लिए ये दरवाज़ा खुला हुआ है और आपने यहाँ पर क्लिक करना है और ऊपर से देखें एनर्जी कितनी हो गई है। और फिर आपने यहाँ पर टाइम आ गया ना 8 घंटे बाद, फिर आपने टाइमर लगा लेना है और एक क्लिक करके आपने जो है ना एनर्जी कलेक्ट कर लेनी है। ऐसे ही जो है ना आप वीआईपी के ये बेनिफिट हैं, आप एक क्लिक से जो है ना यहाँ से एनर्जी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने एक क्लिक से लिया ना, उसके अलावा जो नीचे वाला लैंड होता है फ्री वालों के लिए, वहाँ से भी आपने एनर्जी कलेक्ट करनी है लाजमी। और इसके अलावा आपके जो है ना यहाँ पर रेपुटेशन पॉइंट जो है ना वीआईपी वालों को 1500 मिल जाते हैं, वो भी आपके इनक्रीज़ हो जाते हैं, वो भी आपने जो है ना वो चेक कर लेने। आपने जैसे डैशबोर्ड पर जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप इसमें मार्केट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर बाय सेल करते हैं ना, तो सेल पर आपके फ़ीस ज़्यादा लगती थी, तो आपके वो जो है ना 1% फीस लगेगी, जो आपके 5 से 10% जो है ना पहले लगती थी। वीआईपी की ये भी बेनिफिट है। और एक तो ये इन्वेंट्री है, दूसरा जो है ना आप बुकमार्क कर सकते हैं 4, तीसरा आप जो है ना उसमें अपना एनर्जी एक क्लिक पर ले सकते हैं, चौथा जो है ना आप अपने आपके मार्केट प्लेस में जो है ना फीस कम लगेगी, पाँचवा जो है ना आपको 1500 रेपुटेशन पॉइंट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा वीआईपी की वजह से। वीआईपी के बेनिफिट तो वीआईपी आप अभी ले सकते हैं क्योंकि वीआईपी अभी $20 का मिल रहा है, तो इसलिए आपने इसको मिस नहीं करना। और इसके अलावा इसमें मैं काफ़ी अपडेट देनी थी, अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और इसमें का चैप्टर 2 आ रहा है और कुछ चीज़ें आपको बतानी थी कि वो आप अभी बना कर रख लें, तो वीडियो ये काफ़ी लंबी होगी, इसलिए मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो बना लूँ। इसमें आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगा, जिससे अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं है तो आप जो है ना अपना बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी आपको मैं बता दूँगा। तो इसलिए आपने नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है, तो कोशिश करूँगा कि मैं वो जल्दी वीडियो बना लूँ, तो इसलिए आपने इसको मिस नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।